क्या है कॉमनवेल्थ गेम? भारत ने कब मारी इस खेल में अपनी एंट्री? कैसा रहा भारत का इस खेल में प्रदर्शन? और इस बार क्या हुआ ऐसा खास? करेंगे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। इस बार हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत के प्रदर्शन को काफी बेहतर माना जाना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार खेलों में शूटिंग शामिल नहीं था, जिसमें भारत हर बार अच्छे खासे मेडल जीतता आया है। लेकिन बावजूद इसके भारत ने 22 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। भारत ने काफी लंबे समय बाद इतने गोल्ड मेडल एक बार फिर से अपने नाम दर्ज किए। कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह है जो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इस बार यह भारत के लोगों के लिए काफी अहम रहा है और इसका कारण है कि भारत ने अपने जोरदार प्रदर्शन से एक बार फिर इतिहास रच दिया। जी हां, बर्मिंघम में आयोजित इस खेल में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में कुल 72 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 178 मेडल जीते, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर कनाडा। चौथे स्थान पर भारत ने अपनी जगह बनाई है, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत बनकर सामने आई, क्योंकि भारत को कुल 61 मेडल मिले, जिनमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 कांस्य पदक जीते हैं। आपको बता दें कि साल 1934 जब दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स लंदन में आयोजित किए जा रहे थे, तब इसमें भारत ने हिस्सा लिया था। तब पहली बार भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, हालांकि भारत तब अंग्रेजों के अधीन था। हम आपको भारत के 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर 2022 तक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गोल्ड मेडल के आंकड़ों की पूरी जानकारी देंगे। साल 2002 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 69 मेडल जीते थे। भारत ने इसमें 30 गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 50 मेडल अपने नाम किए थे। भारत के खाते में इसमें से 22 गोल्ड मेडल आए थे। 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन माना जाता है। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड मेडल थे। साल 2014 में स्कॉटलैंड में आयोजित इस खेल में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए थे। इसमें भारत ने 15 गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारत का प्रदर्शन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में भी काफी शानदार रहा है। भारत ने कुल 66 मेडल जीते और तब भी भारत ने 22 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। और अब इस साल 2022 में इंग्लैंड में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण पदक पर फिर से अपना कब्जा जमाया है। तो भारत के लिए यह खेल वाकई में बेहद शानदार रहा है और सभी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है। न्यूज वॉल इंडिया की तरफ से उन तमाम खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज वॉल इंडिया के साथ।